यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि जो है ये कांग्रेस के राज में नहीं मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को उनके मरने के कुछ ही वर्षों के बाद भारत रत्न की उपाधि मिल गई, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी केंद्र में, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब पहली बार उनको भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। यहां तक कि जो संसद का जो केंद्रीय हॉल है, जिसको सेंट्रल हॉल कहते हैं, जहां देश के सभी महापुरुषों के आदमकद चित्र लगे हैं, वहां भी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला। और जब वीपी सिंह की सरकार बनी वहां, ये बांटने वाला छोड़ दो, ये जो बांट रहे हैं ए बाबू छोड़ दो, बांटने का छोड़ दीजिए, जिसको लेना होगा बाहर जाकर पी लेगा पानी, यहां मत बांटिए, यहां मत बांटो, जो बांट रहे हैं ताती जी उनको बाहर कर दीजिए। रुक जाए, शांत रहिए आप सब लोग, बाहर जिसको पानी पीना होगा बाहर चले जाइए धीरे से, ताकि बाकी डिस्टर्ब नहीं हो। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के जमाने में कभी बाबा साहब का चित्र नहीं लगा। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया वीपी सिंह की सरकार को, तब उनका आदमकद चित्र लगा। ये दर्शाता है उस कांग्रेस की मानसिकता को, जिसके साथ मिलकर आज नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं। उनके दूसरे सहयोगी है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में 15 साल में 1 दर्जन सामूहिक नरसंहार हुए, जिसमें लाइन में खड़ा करके दलित समाज के लोगों को गोलियों से भून दिया गया और 155 लोग मारे गए। और मैं आपको याद कराना चाहूंगा, बथानी टोला 1996 में 21 दलित मारे गए, लक्ष्मणपुर बाथे 1997 में 58 दलित मारे गए, मियापुर 32 दलित, हैबसपुर 10 दलित, नारायणपुर 11 दलित, शंकर भिगा 23 दलित, यानी 1 दर्जन से ज्यादा सामूहिक नरसंहार, इक्का दुक्का नहीं, एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और वो लोग आज बगल में अंबेडकर साहब की जयंती मना रहे। तो जिनके राज में दलितों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, और तो जब 2005 में बिहार में हम लोग की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में एक भी दलितों का नरसंहार हम लोगों ने नहीं होने दिया। और मित्रों, इतना ही नहीं, तो जो पंचायत का चुनाव था